सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से मिल रही है, जहां पर मैनपुरी लोकसभा सीट की उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। डिंपल यादव लगातार 1 लाख वोटों से लीड पर चल रही है, 1 लाख वोटों से आगे है डिंपल यादव। बता दें कि रघुराज शक वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार है रघुराज शक, और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव लगातार 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। तो इस बीच सबसे बड़ी खबर मैनपुरी से मिल रही है, जहां पर डिंपल यादव का नया रिकॉर्ड सामने आया है। मैनपुरी से डिंपल यादव 1 लाख वोटों से आगे चल रही है, मुलायम जीत के अंतर से आगे निकली है डिंपल यादव। लगातार बता दें कि जो मुलायम सिंह यादव जी का जो मार्जिन था उससे कई गुना आगे निकल चुकी है डिंपल यादव, और मैनपुरी से डिंपल यादव लगातार 1 लाख वोटों से आगे चल रही है। और हथौली में मदन भैया 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं, रामपुर में असीम राजा 6177 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस बीच में शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया है, जसवंत नगर की जनता को उन्होंने आभार व्यक्त किया है, डिंपल यादव को मत के रूप में आशीर्वाद दिया है और स्वागत किया है, जनता को धन्यवाद दे रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। उन्होंने कहा कि मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद, स्नेह और अपार जन समर्थन के लिए जनता का आभार। और से बात करने के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से, समाजवादी पार्टी कार्यालय से लाइव हैं वो। अविनाश, जिस तरीके से हम जीतों का जो अंतर देख रहे हैं कि जो मुलायम सिंह यादव जी का जो मार्जिन था, जो वोट प्रतिशत था, उससे कई गुना आगे डिंपल यादव निकल चुकी है, इसका श्रेय किसको जाता है? शिवपाल सिंह यादव को जाएगा, अखिलेश यादव को जाएगा, डिंपल यादव को जाएगा? अविनाश देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं समाजवादी पार्टी का मैनपुरी में अब भी समाजवादी पार्टी का दबदबा है जी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो जीत का अंतर है मुलायम सिंह यादव के साथ डिंपल यादव जो कि प्रत्याशी है मैनपुरी से, उनका जो वोट प्रतिशत है 1 लाख से अधिक निकल गया है। मैं इसमें मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाई हुई है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कुछ कार्यकर्ता और उनसे जानेंगे इस तरीके से नतीजे दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बढ़त दिख रही है, कैसे देखते हैं? ये लोकतंत्र की जीत है, पूरा प्रशासन हमला के लिए कार्य कर रहा था, उसके बावजूद भी जनता ने जो है वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम किया और एक ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हो गई। माननीय डिंपल यादव जी की 2.5 लाख वोटों से जीते होंगी। उसके बाद रामपुर में जिस तरीके से प्रशासन ने एक समुदाय को वोट नहीं डालने दिया और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रातों रात उठा लिया गया और उनको जेल भेजने का काम किया, उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने गोपनीय अंदर जाकर समाजवादी पक्ष में वोट किया। और ऐसे ही खतौली में भी जो संगा पीड़ित पदाधिकारी की पत्नी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद भी वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जिताने का कार्य है। रामपुर में बहुत कम वोटिंग हुई, लगातार समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलता रहा तो वहां पर धांधली हो रही, प्रशासन दबाव बना रहा, कई तरीके का आरोप लगे, ऐसे में इस तरीके का जो है रुझान आ रहा है, ऐसे देखते हैं? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अगर वोट डालने देता प्रशासन तो बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती। उसके बावजूद भी धन्यवाद रामपुर की जनता का जिन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि आप कैंडिडेट को जिताने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आज भी मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम है 1 लाख से अधिक वोटों से? कह लीजिए कि मुलायम सिंह यादव के पास दूसरा जो इस बार जो रिकॉर्ड बना है, कैसे देखते हैं? ये मैनपुरी का की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको जो है इतना बड़ा मैंडेट दिया, और ये मैंडेट अभी बहुत ज्यादा होगा, लगभग 2.5 लाख प्लस वोट पे जाएगा, ये हमारा अंदाजा है। और हम लोगों ने जो है वहाँ पे काम किया है, जमीन पे काम किया है, माननीय मुलायम सिंह का जो काम था और उनके ऊपर से जो श्रद्धांजलि थी वो भी थी, और प्लस आदरणीय अखिलेश जी का जो काम है वो सब चीजें जो है बहुत बड़ा मायने रखता है। डिंपल जी 2.5 लाख प्लस वोटों से जीते हैं, ये हमारा कुछ और भी लोग हैं उनसे जानेंगे। इस तरीके से लगातार लोग समाजवादी पार्टी लोग आरोप लगा रहे थे, इस तरीके से चुनाव निकल रहे हैं, आप इस पक्ष में कैसे देखते हैं? ये आरोप लगाना इस तरीके से वीडियो फोटो देखी गई, इस तरीके से जैसे आप रामपुर में देख लीजिए महिलाओं बुजुर्गों के ऊपर लाठी डंडे चलाए गए, पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा था कि एक विशेष समुदाय के लोग वोट न डालने पाए, उनकी वोटर आईडी छीनी गई, आधार कार्ड छीना गया, ये पुलिस प्रशासन के लोग ही कर रहे थे। मैं तो यूँ कहूँगा अगर रामपुर में बीजेपी हार रही तो केवल बीजेपी नहीं हार रही है,
पुलिस प्रशासन जो उनकी तरफ लगा होता वो भी हार रहा है, ये दोनों की हार है। ये उनके मुंह पे तमाचा है कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं रामपुर की जनता को सल्यूट करता हूँ। उन्होंने अगर डरे हुए समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आसिम रजा है उनको साथ दिया, उनके पक्ष में मत दिया, और इसी का नतीजा है जो आप देख रहे हैं कि आप सभी लोग दिखा रहे हैं कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी अपना बूथ लेकर जा पाई लगातार 50 से अधिक स्टार प्रचारक मैनपुरी से लगा के कसौली की बात करें रामपुर नगर जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, ये हम लोग का जो संघर्ष रहा आखिरी समय यानी कि जब तक लोग अपना वोट चला नहीं दिए संघर्ष आप देखे होंगे लोगों की मानसिकता मनसा क्या थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सफल हुए हैं और वहाँ की जनता का सम्मान हमारे स्वर्गीय नेताजी के श्रद्धांजलि मिली और हम लोग को पूर्ण विश्वास था क्यों क्योंकि सच्चाई जमाने से दब नहीं सकती, लोगों ने जो बल पड़ा कि ट्वीट किया था गणेश के सीएम के द्वारा, मैं अभी देख रहा था व्हाट्सएप पे उसे डिलीट मारा जा रहा है हटाया जा रहा है उन्हीं के तरफ बताए हुए जी बिल्कुल ठीक है। अविनाश अविनाश मैं चाहूंगा कि एक सवाल आप ये करें, अविनाश एक सवाल ये करें कि जिस प्रकार से हमने नेताजी की जो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से गढ़ रही है, लेकिन ये सीट अगर डिंपल यादव जीत जाती है तो क्या ये नेता को नेताजी को समर्पित करेंगी चूंकि उन्हीं का गढ़ है, उन्हीं की सीट है या उन्हीं की सीट से उनकी बहू लड़ रही है। हमने देखा कि यहां पर समाजवादी पार्टी ने नेताजी के नाम पर वोट मांगा, बीजेपी ने विकास के नाम पर वोट मांगा और इसके अलावा राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा और जो तमाम जो राम राज्य जो चल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसके नाम पर वोट मांगा, लेकिन यहां पर डिंपल यादव जो है लगातार 1,00,000 वोटों की मार्जिन से आगे चल रही है। अगर ये जो रुझान है नतीजों में चेंज हो जाते हैं और ये सीट अगर सपा के खाते में चली जाती है तो क्या नेताजी को श्रद्धांजलि होगी सीट के तौर पर? एक छोटा सवाल, लगातार जो है समाजवादी पार्टी नेताजी को वोट मांग रही थी तो ये सीट अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो उनको समर्पित करेगी? नेताजी को कैसर वोट नहीं मांग रही थी, नेताजी की कर्म, नेताजी की एक सम्मान, नेताजी का एक जन्मस्थली कहा जाए वो वहाँ पे उसके आधार पे वोट मिला है और ये सच बात है कि नेताजी श्रद्धांजलि होगी जो वहाँ की जनता जनार्दन का आज हम लोग का सम्मान मिल रहा है वो सबकी श्रद्धांजलि। उन्होंने क्या नहीं किया आप लोग देखते हैं वोट दलाने के पीरियड में मैंने लोग क्षेत्र में वहाँ देखे हैं वहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है दबिश दे के उनको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ का लोकतंत्र है, कहाँ का लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है कि लोकतंत्र है? और हमारे प्रोफेसर साहब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा जी सब ने वहाँ पर जो दबाव दिया उस तरह से प्रशासनिक तौर पर सब जाके इस तरह के थोड़ा बहुत परिणाम ही आया, हम लोग के हिसाब से नहीं परिणाम आया, हम लोग के हिसाब से लोग जमाने जब कर जाए। लेकिन आपका जो प्रश्न है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, ये श्रद्धांजलि नेताजी के प्रति हम लोग को बात दर्शक नहीं, हम लोग के दो भाव है, किसी का भी पल है हम का भी पल है, हमारे बीच में कम यह है कि नेताजी नहीं, नेताजी होते शायद स्थिति नहीं होती, ये लड़ना ही नहीं पड़ता, लेकिन अगर परिणाम आ रहा है नेताजी श्रद्धांजलि वहाँ की जनता के। ये तो साफ तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बताया कि लाल सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर वहाँ के मैनपुरी की जो सीट है वो अगर हम जीतते हैं। जी बिल्कुल अविनाश, वहां पर जैसे कि वोटिंग परसेंट कम हुई है तो क्या जनता ने पहले ही अपना मत बता दिया था कि हम किस ओर जाना चाहते हैं, जनता का रुझान किस ओर है? क्योंकि रामपुर की अगर बात करें तो महज 33% वहां पर वोटिंग हुई, 56% वोटिंग मैनपुरी में हुई, इसके अलावा खतौली में हम देखें तो 53% वोटिंग हुई। जो वोटिंग का परसेंट रहा था तो जो मतदाता थे क्या उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि हमको सत्ता के खिलाफ में जाकर के समाजवादी पार्टी की तरफ हमारा रुझान रहेगा? क्योंकि जब भी किसी सत्ताधारी राज्य में वोटिंग परसेंट कम होती है तो ये माना जाता है कि वो सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है और उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ कि वोटिंग परसेंट कम हुई। देखिए आपने रामपुर सीट की बात की तो आपको बताया वहां पर समाजवादी पार्टी से आसिम रजा कैंडिडेट, उन्होंने कल बीती रात एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम ये सीट हारते हैं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। वजह थी उनका कहना था कि अगर हम हारते हैं तो इसकी वजह पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा वोटिंग परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं बहुत कम था, तो लगातार समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन था निर्वाचन की बात है क्योंकि लगातार जो शासन पे आरोप लगा रहा था कि जो वोट प्रतिशत से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कैंडिडेट उनको
और उसे बाहर नहीं निकल रही, तमाम तरीके से जो आरोप थे, लेकिन आज उनके पक्ष से जिस तरीके से रिजल्ट आया है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का दबदबा अभी रामपुर में कायम है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों तक जो पल पल की अपडेट